नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। फैशन इन्फ्लुएंसर मसाबा गुप्ता पहली शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहती थी, हालांकि उनकी मां नीना गुप्ता को यह कतई मंजूर नहीं था। मसाबा ने पहली शादी से पहले अपनी मां के सामने एक प्रपोजल रखा था। वे पार्टनर को ठीक से समझने के लिए उसके साथ शादी से पहले एक साथ रहना चाहती थी। हालांकि नीना गुप्ता नहीं चाहती थी कि जो गलती उन्होंने की वही गलती मसाबा भी करे। मसाबा ने इसके बाद शादी कर ली, हालांकि यह शादी सिर्फ 2 साल चली। नीना ने इसके लिए खुद को दोषी करार दे दिया। मसाबा गुप्ता ने ट्विंकल खन्ना के साथ उनके यूट्यूब चैनल पर कहा कि वे अपनी माँ से काफ़ी दुखी हुई थी। मसाबा ने कहा, माँ ने मुझे शादी के लिए बहुत ज़्यादा समझाया। मैं शादी से पहले अपने होने वाले पति के साथ लिव इन में रहना चाहती थी। माँ ने कहा कि जो गलती मैंने की वो तुम नहीं करोगी। उन्होंने कहा कि अगर तुम रिश्ते को लेकर श्योर हो तो डायरेक्ट शादी करो। मसाबा ने आगे कहा, माँ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। हालांकि जब मेरी शादी सिर्फ 2 साल में टूट गई तो वो अंदर से पूरी तरह टूट गई। उन्हें लगा कि ये शादी उन्हीं की वजह से टूटी है। माँ ने कहा कि उन्हें मुझे फ्री छोड़ना चाहिए था। उन्होंने अपने आप को एक खराब माँ तक कह दिया। हालांकि सच्चाई यह है कि उन्होंने लाइफ में जो देखा वे नहीं चाहती थी कि मैं भी वही चीज़ देखूँ। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।